नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शेयर बाग में। हर बार की तरह एक बार फिर मैं आपके लिए एक स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस लेके आया हूँ। स्टॉक का नाम तो आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले एक बार मार्केट मूड को जान लेते हैं कि मार्केट मूड क्या चल रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मार्केट मूड फियर जोन से भी स्लिप होके एक्सट्रीम फियर जोन में आ गया है। जी हाँ, 29.01। और जैसा कि मैंने बताया, जब मार्केट ग्रीड जोन में हो और एक्सट्रीम ग्रीड जोन में हो, तो कभी भी ख़रीदारी नहीं करने का, अवॉइड करने का, आपको इसी वाले एरिए पे ही ख़रीदारी करने का। तो अभी ये ज़बरदस्त मौका है ख़रीदारी करने का। और कल बजट है, तो बजट के दिन आप अगर पहली बार ट्रेड कर रहे हैं, पहला बजट है आपका, तो कोशिश करिए आप ट्रेड अवॉइड करिए, या आप उतना ही पैसा लगाइए जितना अगर कहीं डूब जाए या खो जाए तो आपको रिस्क ना हो, क्योंकि बजट के दिन बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट होती है। अगर पहला बजट है आप नए हैं, तो आप बैठ के बल्कि आप उसको ऑब्जर्व करिए और उसके अगले दिन से ट्रेडिंग की शुरुआत करिए, क्योंकि मार्केट को एक डायरेक्शन मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा मार्केट को भी देख लेते हैं। आज मार्केट ने कहाँ क्लोजिंग दी है, जबरदस्त ग्रीनरी देखने को मिल रही है। आज देखिए सेंसेक्स ने क्या शानदार मूव दिखाया है, 1.5% के करीब क्लोजिंग दी है, 813.58 हज़ार के ऊपर क्लोजिंग दी है, बहुत ही अच्छी बात है। निफ्टी 50 को देखिए आप, लगभग 1.5% की अप मूव इसने भी दिखाया है, 17,339 पर क्लोजिंग दी है और लगभग 17,400 आज ये छू के आया है। अच्छा दिखाया, लास्ट के टाइम में ये थोड़ा सा नीचे रहा, लेकिन इंट्राडे बुकिंग होती है, प्रॉफिट बुकिंग होती है उस समय, तो चलता है, बहुत ही अच्छा मूव दिखाया। निफ्टी बैंक को एक बार देख लेते हैं, 0.76% आज इसका, हालांकि इतना अच्छा वो नहीं रहा, लेकिन पौने 300 पॉइंट ऊपर जबरदस्त मूव इसने भी दिखाया। निफ्टी मिड कैप की बात कर लेते हैं, 469 पॉइंट, लगभग 1.5% की तेजी निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में भी। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं आज के उस शेयर की जिसको मैं आपके लिए लेके आया हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखा करिए, कहीं आपसे कोई इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो जाए, क्योंकि कहाँ पर एंट्री बनानी है, कहाँ पर एग्जिट करना है, ये मैं वीडियो के आखिरी में डिस्कस करता हूँ। चलिए, रिलायंस पावर लिमिटेड नाम सभी ने सुना हुआ है और बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं, ये पावर सेक्टर का स्टॉक है, जनरेशन ऑफ पावर। आगे बढ़ते हैं, मार्केट कैप पर नज़र डाल लेते हैं, 5,036 करोड़ का मार्केट कैप है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए, सॉरी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए, कोई खास नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 1.88%, बहुत ही घटिया था। डेट टू इक्विटी देखिए 1.82%, बहुत ज़्यादा है। मार्केट कैप देखिए आप 5,036 करोड़ और डेट देखिए आप 23,947 करोड़, बहुत ही ज़्यादा डेट है। तो अब आप समझ सकते हैं इसमें क्या करना चाहिए और कितना पैसा लगाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, करंट प्राइस देखिए आप, 14.80 रुपये चल रहा है और हाई और लो देखिए आप, 18.40 रुपये और 3.01 रुपये लो देखिए। जी हाँ, 3.01 रुपये, बहुत ही नीचे से उठ के आया ऊपर और 18.40 रुपये का इसने हाई बनाया है। आगे बढ़ते हैं, प्रमोटर होल्डिंग देखिए मात्र 25% है और प्रमोटर प्लेज परसेंटेज देखिए आप 4.89% प्रमोटर होल्डिंग का प्लेज है। डिविडेंड यील्ड इसमें यहाँ पर फिलहाल कुछ नहीं दिखा रहा है, डिविडेंड देता भी नहीं, फेस वैल्यू 10 रुपये है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेल्स पे नज़र डाल लेते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस, 2010 से देखिए आप 21,055, 2019 करोड़, इधर देखिए क्या शानदार ग्रोथ चल रही थी, 6,903, 2015 फिर 10,299, 10,000 इधर देखिए, 2017 तक तो बहुत ही ज़बरदस्त चला, उसके बाद से फिर इसमें 2018 के बाद से एक डाउन ट्रेंड आया और देखिए यहाँ तक अभी ये फिलहाल एक स्टेबल मूड में आ गया है 2021 में देखिए, तो अभी इसने अच्छा एक थोड़ा सा अपने आप को स्टेबल कर लिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके क्या प्रॉज एंड कॉन्स हैं और क्या अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ें हैं। भाई, इन्वेस्ट करने से पहले आपको सारी चीज़ें जान लेनी चाहिए और तभी बेहतर होगा आपके लिए, नहीं तो अगर आप आँख बंद करके किसी भी ऐसे स्टॉक में आप अपनी हार्ड अर्न मनी लगा देंगे और फिर अगर उसमें लॉस उठाएंगे तो फिर वो अच्छी बात नहीं है। आपका पैसा है, आपने मेहनत से कमाया है, आपने खून पसीना लगा के कमाया है, तो बहुत ही सोच समझ कर आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करिए और अच्छा रिटर्न लेके जाइए। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर पर नज़र डाल लेते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए आप ठीक ठाक है, यहाँ पर 19 और 20 में लगभग यहाँ पर इतने अच्छा खासा लॉस भी पोस्ट किया, ये देखिए और ये देखिए, फिर उसके बाद 2021 में प्लस में आया है।
नेट प्रॉफिट पे आप नज़र डालिए, यहाँ से आपको अच्छा खासा ग्रो दिखेगा। फिर यहाँ पर देखिए 19-20 में ये वाला जो पोर्शन है अच्छा खासा माइनस में, फिर अभी पॉजिटिव में आया है, तो ठीक है, अच्छा है। अर्निंग पर शेयर पे आप नज़र डाल लीजिए एक बारी, 2.85 यहाँ पर अच्छा खासा चल रहा था, फिर यहाँ पर तो माइनस, यहाँ पर भी माइनस, और यहाँ पर फिर से एक बारी प्लस में आ गया है। तो अभी कंपनी एक पॉजिटिव मोड में आ रही है और इसमें अगर आप चाहें तो आप एंट्री बनाने की सोच सकते हैं। लेकिन अभी आगे और भी जान लेते हैं कि क्या इसके फाइनेंशियल ट्रेंड्स पे भी नज़र डाल लेते हैं और बाकी सारी चीज़ें पर भी एक बार देख लेते हैं। रिजर्व देख लीजिए कंपनी के पास, शुरुआत में तो क्या शानदार रिजर्व मेंटेन किए हुए थे इसने, लेकिन बाद में धीरे 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 देखिए लास्ट में घटते चले गए और लास्ट में अभी सितंबर 2021 की जो रिपोर्ट्स के अनुसार इसके 9621 करोड़ कंपनी के पास रिजर्व है। यहाँ से यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड दिखा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे एक बार नजर डाल लेते हैं। प्रमोटर तो आप देख ही रहे हैं कि बहुत ही कम है, लगभग 25% के आसपास है। इधर FII तो DII ने थोड़ी बहुत एंट्री बना रखी है, 3.51 और 4.92 FII और DII है। बाकी तो रिटेल पब्लिक भरी हुई है 67% के आसपास, तो ठीक है, FII और DII है, यही एक अच्छी बात है। चलिए रिटर्न की बात कर लेते हैं, देखिए कैसे रिटर्न दिए हैं। वनडे का रिटर्न देखिए आप, आज का जो है लगभग 40% डाउन बंद हुआ है और लगभग 2.3% माइनस के साथ। एक वीक का रिटर्न देखिए आप, लगभग 6% के आसपास इतने माइनस दिया है, माइनस रिटर्न दिए हैं। वन मंथ का रिटर्न देखिए आप, बढ़िया पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं, लगभग 14% के आसपास। और एक महीने का हाई भी देखिए आप, लगभग 17.25 रुपये का इसने हाई भी लगाया। वन ईयर का रिटर्न देखिए, वाह वाह वाह, क्या मासिव रिटर्न दिए हैं, ज़बरदस्त रिटर्न दिए हैं। एक साल में 1,00,000 को बनाया है 4,67,000 रुपये, 368% के करीब रिटर्न दिए हैं। और एक साल का लगभग हाई देखिए आप, 18.25 रुपये, तो ज़बरदस्त इतने रिटर्न दिए हैं और अच्छे अपने निवेशकों को माला माल बनाया है। लेकिन आप अभी ये समय इसमें इन्वेस्ट करने का है कि नहीं है, ये आप आगे जानेंगे। 5 ईयर में देखिए माइनस में रिटर्न दिए हैं, -66%। मैक्सिमम देखिए -93%, मतलब आपका ऑलमोस्ट पैसा इसने लॉस कर दिया है अभी तक से। आगे देखते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू इनसफिशिएंट डाटा है, कोई बात नहीं। रिटर्न ऑन इक्विटी वर्सेस FD, ये तो इन लोग, ये कंप्यूटर जनरेटेड होता है एक्चुअली, लेकिन बस दो चीज़ें हैं जिनके लिए मैं हमेशा यहाँ पर आपको लेके आता हूँ, वो है एंट्री पॉइंट और ये रेड फ्लैग। एक रेड फ्लैग है कंपनी पे ASM लिस्ट में है, और दूसरा गुड टाइम टू कंसीडर, स्टॉक ओवरबॉट जोन में नहीं है, तो आप इसमें एंट्री बना सकते हैं। लेकिन अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि कहां पर इसको आपको एंट्री बनानी चाहिए, कहां पर इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। सॉरी, दो बार ये पेज हो गया, कोई बात नहीं। की मैट्रिक्स पर नज़र डाल लेते हैं, ये देखिए सेक्टर का PE 29 और कंपनी का PE 22, तो काफ़ी सस्ती वैल्यूएशन पर मिल रहा है, तो आप अभी इसमें एंट्री बना सकते हैं अगर बनाना चाहें तो, ज़्यादा महंगे नहीं है। फाइनेंशियल ट्रेंड पर नज़र डाल लेते हैं एक बार, ये देखिए यहाँ से लगभग डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है जो आपका रेवेन्यू है। यहाँ पर इसने थोड़ा सा ग्रोथ दिखाई है इस साल 2021 में। और प्रॉफिट पर नज़र डाल लेते हैं, प्रॉफिट यहाँ तो चलिए अच्छा था, प्लस में था, यहाँ पर देखिए आप ये माइनस में, फिर 2020 में तो ज़बरदस्त माइनस में, और 2021 में प्लस में आया, सबसे अच्छी बात तो ये है। तो एक पॉजिटिव साइन है, मुझे तो इसमें एक पॉजिटिव साइन ये दिख रहा है कि चलिए यहाँ से यहाँ तक डाउन ट्रेंड में था, लेकिन अब ये अप ट्रेंड में आने की कोशिश कर रहा है। और रिलायंस जानते हैं कितना बड़ा नाम है, पूरे इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी जो है उनके भाई साहब की है रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ज़बरदस्त स्टॉक है। प्राइस एक्शन पर नज़र डाल लेते हैं, वनडे के कैंडल हैं, यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ कि कहाँ पर आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन पर चल रहा था, यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया, थोड़ा सा नीचे आया है ये, और ये देखिए आप 100 EMA पे ये हर बार आके सपोर्ट लेता है, यहाँ से आया 100 EMA पे, फिर गया यहाँ से आया, फिर ये देखिए 100 EMA पे आया, और फिर यहाँ से फिर 100 EMA से बाउंस बैक दिखाया, और मुझे लगता है ये फिर से अपने 100 EMA पे आएगा। तो मेरा जो प्राइस है लेने का, मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप 13.5 रुपये पे इसको बाई करिए, आराम से भर के बाई करिए। और जो इसके टारगेट होंगे जो मुझे दिखते हैं, वो इसका टारगेट होगा जो इसने हाई बनाया था अभी रिसेंटली, वही 17.5 के करीब, 17.5 इसका है तो पहला चार टारगेट दिखता है मुझे। और मेरा एक और सलाह है आपसे, उससे पहले एक बार वीकली उस पर नज़र डाल लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ आपको। वीकली उस पर देखिए, यहाँ पर देखिए सर, ये ट्रेंड लाइन इतने पकड़ी हुई है, इसी ट्रेंड लाइन पे ये आता है बार बार आके
सपोर्ट लेता। तो मुझे जो ये दिखता है, मुझे 17.5 रुपये का इसका टारगेट दिखता है, और जो मैं बता रहा हूँ इसको 13.5 से 14 रुपये के बीच में इसको बाई किया जा सकता है। और मैं एक बात बताऊँगा कि आप इसको उतना ही पैसा डालिए इसमें जितना आप बियर कर सकें, उसका लॉस बियर कर सकें, क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल्स आपने देख लिए हैं। माना कि कंपनी एक पॉजिटिव ट्रेंड में अभी आई है, आ रही है, तो आप इसमें उतना ही पैसा डालिए जितना आप बियर कर सकते हैं अगर वो लॉस पे आ जाए। और अगर आपको पावर सेक्टर में ही पैसा लगाना है स्टॉक में, तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर मैं आपको फोल्डर मिल जाएगा पावर सेक्टर स्टॉक्स के नाम पे, उसमें मैंने टाटा पावर का फंडामेंटल एनालिसिस किया हुआ है, आप उसको देखिए। और अगर आपको ज़्यादा पैसा लगाना है तो आप उस शेयर में जितना पैसा लगा सकते हैं लगाइए, उसके बहुत ही अच्छे टारगेट्स हैं लॉन्ग टर्म के, आपको 1000 के ऊपर जाता हुआ आपको दिखेगा। और जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, मैं कोई से भी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, ये वीडियो प्योरली आपकी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लीजिए, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।